हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ आपको बैक फैट की बहुत ही आसान सी सिर्फ और सिर्फ तीन एक्सरसाइजेस, जो तीन एक्सरसाइजेस भी अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको कोई और वीडियो या कोई और एक्सरसाइज स्पेशली अपने बैक फैट के लिए देखनी ही नहीं पड़ेगी। कैसे करना है, पोजिशन इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको दूंगी और रैप्स यानी उसकी रिपीटेशन कितनी करनी है, वो सारी चीजें अगर आप करेक्टली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो बैक फैट है वो खत्म हो जाएगा और आपकी वहां की मसल बहुत अच्छे से टोन होना शुरू हो जाएगी। तो देरी किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक इलास्टिक लेना है जो इजीली आपको मिल जाएगा स्पोर्ट्स शॉप से। अब इसको हमें एक तरफ से लंबा करना है और जो चीज हमें खींचनी है यानी राइट साइड, हमें इलास्टिक छोटा रखना है। आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस, एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा। बड़े वाले को खींचेंगे कुछ नहीं होगा, छोटे वाले के ऊपर खींचेंगे तो डेफिनेटली आपका बैक फैट रिड्यूस होगा। अपनी बॉडी को एक पैर पीछे लेके जाइए, एक पैर आगे रखिए, थोड़ा सा लिफ्ट करिए, चेस्ट को बाहर रखिए और ये पोजीशन, देन डाउन, फिर बैक, देन डाउन। आपको करने हैं 10 times यानी 10 reps के 3 sets। तो चलिए फटाफट से शुरू करिए। ऐसे ही आपको अदर साइड पे भी इसके 10 reps करने हैं। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए मैंने आपको एक साइड करके दिखाया है, लेकिन आपको एक साइड नहीं करना क्योंकि फैट जब आपके दोनों साइड है तो दोनों साइड ही करना है। इस बात का ध्यान रखा करें हमेशा मेरी हर वीडियो में कि अगर आप कोई एक साइड देख रहे हैं तो नेक्स्ट साइड आपको अपने आप से करना है। अब बारी आती है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों से इसको इक्वली आपको दबाना है इलास्टिक को। अपने पैरों को इस तरीके से वाइट करिए, हाथ की पोजीशन ये रहेगी, ये आपने ऊपर लेके जाना है फिर नीचे। जब ऊपर लेके जाते हैं तो आपको पूरी स्टिफनेस देनी है अपनी बैक में, तो जो भी आपका यहाँ का बल्जेस होंगे, साइड फैट होगा यहाँ का, वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 10 reps कंप्लीट होते हैं। आपको करने हैं 10 reps के 4 sets। लास्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से इलास्टिक को बहुत पास से होल्ड करिए, स्ट्रेच दीजिए। आपको अपनी आर्म्स को ऊपर रखना है इस तरीके से और एक को पूरा स्ट्रेच करके नीचे लेकर आना है, फिर ऊपर लेके जाइए, फिर इस तरीके से लेकर आइए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक पैर अपना आगे रखना है और कमर को थोड़ा सा बेंड रखिए, स्लाइटली सा चेस्ट अप रहेगी, दोनों बाजू ऊपर करिए, डाउन। जितना इलास्टिक पास से पकड़ेंगे उतना ही आपको खींचने में प्रॉब्लम होगी और उतना ही आपकी बैक मसल पे इफेक्ट जाएगा। रिलैक्स हो जाइए। आपको से करने हैं 20 के 4 sets। ध्यान दीजिएगा जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं सेम आपको एज इट इज फॉलो करने हैं। तो बस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है वर्कआउट। ये तीन एक्सरसाइजेज ही बहुत बड़ी हैं आपके बॉडी के लिए और बहुत ही इफेक्टिव हैं, तो इनको फॉलो करें, ऐसे ही प्यार देते रहें। वीडियो इतना पसंद आता तो बस आपसे लाइक मांगती हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मेरी फैमिली है जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया करें। अगर आपने मेरी कोई रेमेडी या कोई एक्सरसाइज ट्राई करी है और आपके ऊपर अच्छा
अच्छा रिजल्ट आया है या जो भी रिजल्ट आया है वो कमेंट में ज़रूर शेयर किया करें। मैं आपकी सारी कमेंट्स को रीड करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।